अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक हो गए, खैरियत से होंगे। तो आज मैं फिर आप लोगों को कुछ नया सिखाऊंगा, ठीक है। तो अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करें, ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। और आप लोग मुझे कमेंट्स में बता दें अगर आप लोग इंटरेस्ट हो और आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छी लगती है और कुछ सीखने को मिलता है, तो आप मुझे कमेंट्स में बता दें, फिर मैं फ्री जूम क्लास भी लूँगा आप लोगों का, बिल्कुल फ्री में, कोई फीस वगैरह नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग फिर मुझे कमेंट्स में बता दें। अच्छा, मैं एक ज़रूरी बात कर रहा हूँ, इसको बड़ा बहुत गौर से सुनो। ये जो एरिया होता है ना यहाँ पर, ठीक है, मिसाल के ये अगर अब ट्रेंड है, जिस तरह ये जो बन रहा है अभी, ये जो बन रहा है, ठीक है, तो देखें ना पीछे, ये हमारे पास रेफरेंस है, ये जगह है जहाँ पर ये कैंडल वगैरह बना हुआ है, ये जगह इसका बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ये जगह रेफरेंस ना हो, यानी कि पीछे कोई कैंडल ना हो, तो वहाँ पर आप लोगों ने ट्रेड नहीं करना है। पता है क्यों? उधर फिर ये हो सकता है कि कोई स्ट्रॉन्ग लेवल हो और आप लोगों को ना दिख रहा हो या नज़र पे ना आ रहा हो, तो उस वजह से आप लोगों का लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी बात था, और भी मैं आ गया आप लोगों को कुछ बताने वाला हूँ। एक मुझे एक मौका मिल जाए, मैं एक ट्रेड ले लूँ तो आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है। राउंड नंबर मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि 00, ठीक है, और 000, जिसके एंड पे 00 और 000 हो ना, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल होता है, ठीक है। बाकी लोग बोलते हैं कि ये 50 का लेवल, ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ठीक है। इस पे आपने ध्यान नहीं देना है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये वर्क नहीं कर रहा, ये वैसे लोग बोल देते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को एकदम जो रियल और एडवांस चीज़ें वो बता रहा हूँ, क्योंकि हमने इजी बनाना है ट्रेड को, ठीक है। अगर कोई चीज़ मुश्किल भी है ना, हमने उसको इजी बनाना है ताकि आप लोग आसानी से सीख सके। ये अभी W पैटर्न बन रहा है, ठीक है। अब ये नेक लाइन है, ठीक है, इसको रिट्रेस किया, उसके बाद ये अब जा रहा है। तो मैं देखता हूँ, जैसे ही मुझे कुछ मिल जाए मैं ट्रेड ले लूँगा। अभी मैं एक रिस्क छोटा सा लेता हूँ। ओहो, दो लेना था, तीन ट्रेड मैंने प्लेस कर दे दिया। अभी आप लोगों का डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है? ये एक अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड, देख यहाँ से देख। और कोई 5 मिनट की कैंडल कुछ भी मैंने जो है ना नोट नहीं किया, देख, ये अप ट्रेंड है, ठीक है। लेकिन मैं डाउन डायरेक्शन के लिए मैंने ट्रेड ओपन किया, क्यों, ये देख, ये सारा अप ट्रेंड है, ठीक है। इधर आप लोगों को ये लोग कंफ्यूज कर देते हैं कि भाई आप जो है ना ट्रेंड के अपोजिट नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? वजह बिल्कुल इजी जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। दूसरी बात ये कि आप लोगों ने एक ही बंदे का वीडियो देखना है, मिसाल कि यहाँ मेरा चैनल पे वीडियो देखो या किसी और के चैनल पे देखो, लेकिन एक ही बंदे का वीडियो देखना है। अगर आप इस तरह हर बंदे का वीडियो देखना शुरू करोगे, तो फिर कोई बोलेगा ट्रेंड के अपोजिट मत जाओ। अभी मैं कह रहा हूँ ट्रेंड के अपोजिट भी जा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों का माइंड जो है ना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा कि ये मैं क्या करूँ, अभी किस तरफ जाऊँ, किसका बात मानूँ, कौन सच है और कौन झूठ है। तो इस तरह आप लोगों को फिर समझ नहीं आएगा, ठीक है। आपने हमेशा एक ही बंदे का वीडियो देखना है, बेशक वो या मेरा चैनल पर वीडियो देखो या किसी और का, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं जो है ना जो भी चीज़ बताऊंगा बिल्कुल हक
और सच बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि मैंने ख़ुद भी ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल से सीखा है और बहुत मिसाल के ये सारे काम मैंने किए हुए हैं ख़ुद, जो आप लोग कर रहे हैं, कभी किसी का वीडियो देख रहे हो, कभी किसी का वीडियो देख रहे हो, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा इंसान ख़राब हो जाता है। आपने एक ही बंदे का वीडियो देखना है और उसका डेली वीडियो देखना है, मिसाल के आज एक चीज़ देखो तो कल ये नहीं, कंप्लीट उसका एक कोर्स देखो, ताकि आप लोगों को सारा कुछ समझ आ जाए। तो फिर एक मैं और भी देखता हूँ क्या सीनरी बनता है, तो बातें तो बहुत कुछ है, लेकिन फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप लोग तंग हो जाओगे। मैं आप लोगों के प्यार की वजह से और आप लोगों की वजह से जो है ना इतना बड़ी वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि आप लोगों को मैं जो है ना डिस्टर्ब करूँ और आप लोगों का टाइम भी ज़ाया करूँ, ठीक है? तो आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो इस वजह से मैं सब कुछ आपको सीक्रेट और बहुत एडवांस चीज़ें बताऊंगा, बहुत ज़्यादा। अब ये पता है ये किधर तक आएगा? ये वैसे एक एरर कैंडल है जो ग्रीन बन रहा है ना, एक मैंने एक ट्रेड ले लिया, ठीक है? ये एक एरर कैंडल है, एक मिनट, ये अगर ग्रीन बनेगी भी तो बहुत छोटी सी बनेगी। पहले तो इसका 90% जो है ना इसका चांस है कि ये रेड बनेगी। पता है क्यों? कि ये बायर्स का एरिया, ये सारा बायर्स का एरिया ये वाला, तो ये कैसे है जो है ना उधर से आ सकते हैं? कभी नहीं आ सकते, ठीक है? और अभी आप लोगों को जो मैंने कल ड्रॉ करके दिखाई है ना, वो सारी चीज़ें मैं अभी आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये हो गया लेवल, ठीक है? इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है ना, तो कल मैंने आपको आप लोगों को क्या समझाया? कल मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है कि जब वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, लेकिन मिसाल के अगर ये देखो ऊपर, जब जिधर मैंने लाइन लगाई हुआ है ये वाला, ये देखो यानी कि ब्रेकआउट नहीं किया। अब ये पूरा कोशिश करेगा कि इसको ब्रेकआउट कर दे, बात समझ आ रहा है? ये जो कैंडल बन रही है, अब ये कैंडल रेड जब हो जाएगी तो ये कंप्लीट जोर अपना लगाएगा और इस लेवल को ब्रेक करने के लिए, ये लेवल, ये बहुत एडवांस चीज़ें बता रहा हूँ, पूरे यूट्यूब में आप लोगों को कोई नहीं बताएगा। हालांकि ये देख, ये एक स्ट्रक एरिया बन गया, ठीक है? अब यहाँ पर देखें, ये बिल्कुल स्टक एरिया है। यहाँ पर आप लोग जो है ना, लोगों ने कंफ्यूज किया हुआ है कि यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है। अब इसके बाद देखो, ठीक है, मैं ट्रेड नहीं लूँगा क्योंकि मैंने आज ट्रेडिंग की है और ये देखिए आप लोगों के सामने भी किया, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आप माइंड ना करें क्योंकि आप लोगों को समझाना भी है। अभी मैं जो मार्केट में करंट चल रहा है, मैं आप लोगों को वो एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों का माइंड चेंज हो जाए, ठीक है? अभी देखो, अगर एक दो कैंडल ग्रीन का आ रहा है तो आपने उससे कंफ्यूज नहीं होना है कि मिसाल कि ये तो ग्रीन आ गया, अभी इधर से और भी ग्रीन आएगा, नहीं, वो एक एरर कैंडल भी हो सकते है, रिट्रेस कैंडल भी हो सकता है। तो आप लोगों ने एक दो कैंडल से जो है ना नहीं परेशान होना, ठीक है? अभी मैं इधर एक और ट्रेड लेता हूँ, ये ठीक है। लोग कहते हैं ना कि हैमर के बाद जो है ना, जो हैमर आता है उसके बाद ग्रीन आता है, ये हैमर आ गया, ये यहाँ पर देखें, ये हैमर हो गया, ठीक है? अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि ग्रीन आते कि नहीं, मैं तो डाउन के लिए चला गया, आया तो हैमर है, ग्रीन बनना चाहिए ना। अभी आप ज़रा सुन लो मेरा बात गौर से, अगर हैमर के बाद, लोग कहते हैं कि डाउन ट्रेंड में जो है ना, जब हैमर बन जाए तो फिर आप लोगों ने अप का ट्रेड लेना है, तो ये तो बन गया, ये देख हैमर तो बन गया, लेकिन यहाँ पर देखें
यहाँ पर देखे ये तो रेड आ गया, ये तो रेड कैंडल आ गया, क्यों वजह ये दो। तो आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं कल। तो बहुत सारा ख्याल अपना रखिए और हमें दुआओं में याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी भी चीज़ का मसला आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता दें, तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखो। ओके, अल्लाह हाफिज़।